लेकिन मैंने सोचा है कि आपको ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे। नवंबर महीना है, छोटा महीना है, नवंबर की आखिरी इतवार है, तो आपको बहुत ज्यादा थकना नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं आपको एकदम लिटरली एकदम एक आराम का एक संडे इतवार आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, शुरुआत में वो कहता मैं तुझी को पुकारूंगा, तुझी को मैं पुकारूंगा, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा चट्टान। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, आराधक है। पिछले दिनों में हम सुन के आ रहे हैं कुछ लोग प्रभु के सामने आराधना के लिए आते हैं, अपना सब कुछ डालता है, अत्युत्तम अतिश्रेष्ठ लेकर आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जब अवसर मिलता तब नहीं, जब सब कुछ अनुकूल है तब नहीं। The best of my time, मेरा सारा उत्साह, मेरे सारी खुशी, मेरे सारे सामर्थ्य, मेरा बहुत कीमती वक्त, सब कुछ है। मैं वेदी पे अर्पण करता कुछ लोग ऐसे। सुलेमान ने प्रार्थना किया था कि ये मंदिर की ओर देखकर कोई भी जाति के आदमी प्रार्थना करे तो सुन लेगा, लेकिन परमेश्वर का भक्त कहता है मैं आगे बढ़ूंगा, आंगन में नहीं, पवित्र स्थान में नहीं, अति पवित्र स्थान में इतने करीब आऊंगा, आराधना वहां आके मैं मेरा हाथ बढ़ाऊंगा। कुछ हमारे कुछ कार्य साथी के लिए, कुछ कुछ उससे कुछ फायदा पाने के लिए सब लोग जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे जैसा आदमी परमेश्वर से कुछ अनुग्रह पाने के लिए ही जाते हैं। चंगाई चाहिए, शांति चाहिए, पढ़ाई में मदद चाहिए, नौकरी में मदद चाहिए, उसके लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर से प्यार करता है, प्रेम के कारण जाते हैं। बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है। आज प्रभात में मेरे सामने एक युवक का चेहरा आया तो मुझे याद आया उसने मुझसे क्या क्या कहता है। वो हमेशा मुझको कहता है मुझे सेवकाई करना है। क्या करना है? पूरा समय सेवकाई करना है उसको, पूरा समय सेवकाई करना है। तो मैं बोला ठीक है भाई, पूरा समय सेवकाई तो बात की बात है, अभी क्या करते हो? पूरा समय सेवकाई में बहुत बड़ा दिलचस्पी लिखने वाले अनेक लोग हैं। जो समय आज प्रभु ने दिया उससे क्या करते हो? तो मैं उसको पूछता था कि शाम का सभा में आएगा? नहीं नहीं नहीं, सुबह आया था ना, सुबह आया था ना, तो शाम के सभा में क्यों आने का है? कुछ लोगों का जीवन का पूरा खुशी प्रभु के चरणों पे है। जब लड़का लोग पिक्चर देख कर आनंदित होता, या मैदान में खेल कर आनंदित होता, या दोस्तों के साथ पार्टी करके बड़े मजा उठाता, तो कुछ बच्चे लोग प्रभु की उपस्थिति नहीं छोड़ता, उसके चरण से उठ नहीं जाता। मैं भीतर रो रो के आज ऑटो में आया क्योंकि मेरे सामने अनेक बच्चे लोगों का चेहरा आया, खुशी से रोया। अभी वो लोग कहाँ है मैं नहीं जानता, क्या कर रहे मैं नहीं जानता, प्रभु में है इतना मैं जानता। मेरे बचपन याद आया, तो जैसे बच्चे लोग थे, लोग दुनिया में कुछ भी चीज में कुछ आकर्षण नहीं पाते थे, प्रभु के चरणों में बैठने में आनंद पाया। पढ़ाई है, इंजीनियरिंग में पढ़ते, इंजीनियरिंग करते, डॉक्टर बनते हैं वो लोग। दो दो लड़कियां मेरे सामने आए, दोनों डॉक्टर है। अतिचार लोग आए, वो सुबह इंजीनियर लोग हैं, बहुत ही पढ़ाई करने के लिए, बहुत तैयारी के लिए, रात भर प्रभु को उस स्थिति में बैठा।
उसमें बड़ी आनंद है। ये परमेश्वर का दास कहता, मैं बाहर से प्रार्थना करके एक अनुग्रह प्राप्त करने के लिए नहीं आता, मैं बिल्कुल तेरे निकट अंदर मंदिर में मैं आऊंगा। नहीं है कहां जाके भीतर कोठरी की ओर अपने हाथ उठाओ कि यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ावट को सुना है। यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है। अपने पिछली द्वार को सुना, जब मैं मेरे सर्वोत्तम चीज, मेरे अतिश्रेष्ठ वस्तु या चीज या मेरा समय या अपने आप को भेंट करता, भेंट चलाता, वेदी पे लटाता, तो परमेश्वर भी ऐसा ही प्रत्युत्तर देता है। परमेश्वर भी अपने सर्वश्रेष्ठ हमें मेरे ऊपर उंडेल देता नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। हमें जब मैं व्हेन आई प्रेजेंट मायसेल्फ एट माय बेस्ट, गॉड प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहूदे में परमेश्वर बहुत प्रसिद्ध है और सियोन में उसकी महिमा बहुतायत से प्रशोभित होता है। हालेलुया। जब सियोन कुमारी प्रशोभित होकर शोभायमान होकर खड़ी होती है, उसकी उसका परमेश्वर की महिमा भी उतनी खूबी से प्रकाशित होता है। प्रभु भी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। यहाँ कहते तू मेरा बल है, तू मुझको बल देता, तू मेरी ढाल है। नहीं है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मैं गीत गा कर धन्यवाद करूंगा क्योंकि तू मुझको बल देता। बलवंत हाथों से थामे रखने वाला, थाम कर रखने वाला एक परमेश्वर सिर्फ नहीं है, वो मेरे बलहीन हाथों को, कमजोर पैरों को बलवंत बना देता है। अरे एक लड़के को उठा के लेके जाने वाली बात छोटी नहीं है, बहुत सुंदर बात है। पूरे रेगिस्तान में परमेश्वर ने हमें उठा के चला, ऐसे इस्राएल गीत भी गाता है। उकाब के पंखों पे उठाया, छोटी बात है, महान बात है, नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर अपने जन को बल भी देता है। हमेशा छोटे शिशु के समान बाहों में लेकर घूमने के घूमना कौन सा भी पिताजी को कुछ नहीं करता। एक दिन आएगा ये बेटा पिताजी को उठाएगा। तो पिताजी को लगता है मेरा जीना व्यर्थ नहीं था। परमेश्वर का दास कहता, बलहीन को थाम के रखने वाला सिर्फ परमेश्वर तू नहीं है, जब तू वो करता है तू उसको बल देता है। एक अच्छा अस्पताल वो होती है कि सबसे एक बलहीन एक बीमार को उधर भर्ती करके अच्छी तरह देखभाल करता है, उसको ऑक्सीजन देता है, उसको ड्रिप्स देता है, ये सब सही है, वैसे ही पड़े रहेगा वह, नहीं है। अच्छा अस्पताल वो होती है जैसे आया उससे कई गुना बढ़कर बलवंत कर तुम्हें बचता है। ओ हॉस्पिटल, इसको हॉस्पिटल कहता है। यहाँ कहते तू मुझको बल देता, यहोवा बल देता। मैं एक स्वार्थी इंसान भी ऐसे प्रार्थना करता, मुझे बल दे प्रभु, मुझे बल दे, मुझे बल दे। सही बात है, बल चाहिए हमें। किसके लिए चाहिए उसका उत्तर बहुत 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 कम उत्तर मिलता मुझको। अगर मुझको प्रभु पूछेगा सामर्थ्य भर दो, सामर्थ्य भर दो, तू प्रार्थना करते मैं सामर्थ्य भरूंगा, तू करोगे क्या? मैं घर में बैठूंगा, 5 बार खाना खाऊंगा और रात को अच्छे से सोऊंगा। उसके लिए बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए,
सामर्थ्य वो किसी का खटिबंध अगर बांधते हैं वो लड़ाई के मैदान में दिखाई देगा नहीं है। मेरे जैसे आदमी को घर में बैठ के स्तोत्रम बोल के खुशी से रहना है, कोई परेशानी नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं चाहिए, कोई तकलीफ नहीं चलना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक चलना चाहिए, नहीं है? तभी मैं बड़े खुशी से मैं सराहूंगा, मैं गीत गाऊंगा। ये परमेश्वर के दास थोड़ा हट करे लगता है, वो कहते हैं यहोवा अपनी प्रजा का बल है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं चाहता हूं उसकी प्रजा बलवंत बन जाए। आमेन, आमेन। रोज में बड़ी खुशी से बड़े बलवंत होकर रहूंगा, वो नहीं है उसका हक क्या? मैं हम दाऊद के विषय में हमेशा पढ़ते, कौरव वंशी के विषय में हमेशा पढ़ते, दोनों शुरू करते मेरा परमेश्वर, तुरंत वो कहते हाँ सारे विश्व के लोगों, सारे जगत के लोगों, हे परमेश्वर के भक्तों, एक सच्चा दास का हृदय का आग्रह वो है। प्रभु के पास जब हम आते हैं अत्युत्तम चीज लेकर आता, प्रभु उसका अत्युत्तम चीज तुम्हें देगा, हमने देखा उसका अत्युत्तम चीजों में परम प्रधान है यहोवा का बल। प्रभु हमें बल से धारण कराएगा, प्रभु हमें बल से धारण कराएगा। यार लिखा है वो अपने प्रजा का बल है, अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है, वो अपनी प्रजा का तो उद्धार करा। अभी तो गिड़गिड़ाने वाला, उसकी समस्या कितने थे, उसके बीच में वो उसका चाहत तो देखो, कुछ लोग ऐसे हैं। परमेश्वर मुझको और आपको बल देता मसल दिखाने के लिए नहीं है, मैं भी अन्य वर्षा बोलूंगा ये इसके लिए नहीं है, मेरे बड़ा दर्शन देखा उसके लिए नहीं है, उसका प्रजा बच जाए, कुछ लोगों का बंधन टूट जाए, कुछ लोग ज्योति में लाए जाए, कुछ लोग खड़ा किए जाए, हमें कुछ लोगों की नाराजगी हटाए जाए, ये मैं ये जीवन खत्म हो जाए, मेरी सारे जोश मेरे चारों ओर से, मैं ये बनना, मुझे ये होना, मेरा बीमारी, मेरा तकलीफ, यही है मेरा जीवन में। लेकिन परमेश्वर जिसको भी बल धारण कराया, जिसको भी बल दिया, वो अपने लिए जिया भी नहीं, अपने बात किया भी नहीं। अब पवित्र शास्त्र में पहले अध्याय से अंत तक देखो, जिसको भी प्रभु ने सामर्थ्य दिया, जिसको भी प्रभु ने ऐसा अभिषेक दिया, जिसको भी प्रभु ने इतनी हिम्मत से खड़ा किया, वो उसके लिए नहीं था, वो परमेश्वर की प्रजा के लिए था। हमें परमेश्वर की कलीसिया के लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए है। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, उसकी चरवाही कर, सदैव उन्हें संभाले रहे। क्या गिड़गिड़ाहट का था, क्या प्रार्थना था जब उसको ये दर्शन मिलता कि परमेश्वर स्वर्गीय बल से धारण करने वाला है, परमेश्वर स्वर्गीय बल देने वाला है, उसको पता चला ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरा मसल दिखाने के लिए नहीं है। परमेश्वर अपना अत्युत्तम चीज, परमेश्वर के विषय में हम सबसे पहले पढ़ता कि वो सामर्थ्य सर्वशक्तिमान यहोवा, जो परमेश्वर उसका परिचय देता, सबसे पहले कहता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, वही शक्ति वो हमें देना चाहता जब हम उसके सम्मुख ऐसे आता। प्रभु ने पिछले दिन कहा कि सर्वश्रेष्ठ बात प्रभु हमें देगा, द बेस्ट heaven can offer will be offered to you, and the foremost of those blessings is the strength and the power, the power. प्रभु हमें सामर्थ्य देगा, प्रभु हमें शक्ति देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहते हैं। हम 19 और 29 में आते हैं, परमेश्वर के पुत्र यहोवा का, हाँ यहोवा की गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। हिंदी वाले में दम कम है, क्या बोला मैंने, दम कम है, हिम्मत हो तो ऐसे नहीं अनुवाद करता,
उधर लिखा है यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो, नहीं है अंग्रेजी में पढ़ो क्या लिखा है, परमेश्वर को ताकत दे, लिखा ना ये परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को शक्ति दे, ऐसा हिंदी वाला अनुवाद कर ही नहीं सकते, वो सोचेगा मैं परमेश्वर को कैसे शक्ति दूंगा, परमेश्वर मुझको शक्ति देना चाहिए, इसके लिए उधर लिखा सराहो, सराहो का मतलब है उसका उसका गुणानुवाद करो, हिम्मत वाला इसमें लिखता है, मलयाली को भी बहुत हिम्मत है, उसने भी इसे लिखा होगा, मलयालम में पढ़ो यहोवा की शक्ति कुड़पिन गिरू, क्या बात करते हो यार, गलत चीज सुबह सुबह बोलते हो, परमेश्वर हमें बल देना चाहिए, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देना चाहिए, और आप लोग मलयाली लोग ये सब पढ़ते हैं और पढ़ के चुप बैठते हैं, सवाल उठाना चाहिए, नहीं है सवाल उठाना है कि मैं क्या शक्ति देगा तुमको, लिखा है और ये लोग पढ़ता भी है, और वो सवाल नहीं उठाता, क्यों नहीं सवाल उठाता, वो लोग परमेश्वर से डरता है, इसलिए परमेश्वर से सवाल नहीं उठाते, बेवकूफ आदमी है सवाल उठाता, इसके लिए मार भी खाता, जो सवाल उठाते तो मार खाते, यहोवा की शक्ति बड़ी में परमेश्वर को महिमा दे, साथ साथ क्या दे बल भी दे, ये बेवकूफ सभी तू परमेश्वर के अवसर देना, अब तेरा सब कुछ तेरा अति श्रेष्ठ सबसे महिमा महत्वपूर्ण बात लेकर आना और उसको अवसर देना, उसकी महिमा तुझ में प्रकट करने के लिए उसको तो अवसर दे, उसको तो मौका दे, मैं दे दूंगा मेरा सब कुछ दे दूंगा उसको, मेरा यौवन में दे दूंगा, अब मेरा बचपना में दे दूंगा, छोटे बच्चे लोग संडे स्कूल में बैठ के सोचते हैं वो जो वो सुली के ऊपर का जो कुकर भी था ना उसके जैसा होता तो कितना अच्छा था, कैसा भी जीने का कुछ भी करने का अंतिम समय में एक मौका मिले प्रभु माफ कर तो क्या फायदा है, जगत का पूरा कुछ मिल गया और स्वर्ग में भी जाएगा, अब इसे गुनगुन की क्यों देखते, ये मैं सोचता था ऐसा होता मेरे जीवन में प्रभु कहते कुछ लोग हैं जीवन का सबसे अच्छा समय जब पूरा लाइफ ब्लड इज बॉइलिंग इन योर वेन्स, तब जब खून नसों में उबलता है तब मेरे लिए है, बल दे दो यहोवा को, अच्छा समय दे दो परमेश्वर को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर ऑफ योर लाइफ, द स्ट्रॉन्गेस्ट आवर ऑफ योर फेस ऑफ योर लाइफ, ये बुढ़ापे में नहीं सब कई करने के लिए निकलने का है, सब बहुत अत्युत्तम बात प्रभु को दे, आमेन, जो सबसे श्रेष्ठ बात है, तो बुढ़ापे में सेवा मत करो ऐसा है नहीं है, यौवन में सेवा करोगे बुढ़ा होएगा ही नहीं, आप कभी बुढ़ा होएगा भी नहीं, मैं कहता हूं आपको, एक बच्चे पिछले दिन मेरे को देखा और बोला हाँ ये अब अपने नहीं क्या रिया ये दादाजी को मैं जानती हूँ ऐसा बोला मैं बोला क्या बोली मैं बुढ़ा भी हूं इसके लिए दिखाने के लिए रखा है ताकि आप कभी ना सोचिए कि मैं बहुत जवान हूं, ऊपर खड़ा ये दिखाने के लिए मैं बहुत जवान हूं, आपके लिए बुढ़ा हूं और मेरे लिए और परमेश्वर के लिए मैं जवान, मैं कभी बुढ़ा बनूंगा ही नहीं, बल दे दो परमेश्वर को, अपना सब कुछ अच्छे बात लेकर अवसर दे दो प्रभु, आमेन, तेरा जीवन में मेरा जीवन में परमेश्वर का बल प्रकट करने के लिए वातावरण बनाओ, इसके लिए
जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया उसने उसके द्वारा भविष्यद्वाणी हुआ जो ऐसे ऊंचा है अहंकार की वो नीचे किए जाए नहीं है नहीं है नाराजी के गड्ढे में पड़े रहने वाले दूसरे को ऊपर आरोप खुद के ऊपर श्राप देने वाले जो गड्ढे है वो ऊपर आना चाहिए नहीं है जो टेढ़ा मोटा जो जो हमारी जो सोच विचार है जो फूट लेता है वो सीधा हो जाए तब प्रभु सारी महिमा और सारे बल के पास आएगा और मैं कहूंगा मेरे परमेश्वर को बल दिया अर्थ जानते हो उसका बल प्रकट करने के लिए मैंने अवसर परमेश्वर का बल तब प्रकट होगा जब मैं उसको बल दूंगा जब मैं उसको बल दूंगा स्वर्गीय बल को मैं धारण करूंगा मेरा बल की कोई जरूरत उसको नहीं है लेकिन मैं मेरा सब कुछ जब अर्पण करता तब प्रभु उसकी महिमा को प्रकट करता है बल को प्रकट करता है ये यहोवा के पुत्र सिर्फ सराहना है नहीं है उसको सामर्थ्य दो उसको महिमा दो यहोवा के नाम की महिमा करो पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का धन्यवाद करो चंगाई की प्रार्थना की बात नहीं है यह जीवन में कुछ पाने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आने की बात नहीं है यह परमेश्वर की पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करने वाली बात है मैं बचपन में इसे सोचा कि ये वो क्रूस के ऊपर के जो कुकर्मी की तरह सबको मौका मिले तो अच्छा है लेकिन मैं कुछ 12-13 बरस का हो गया तो मैं कहता परमेश्वर को कहता नरक नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा गवाही वो है मुझे कोई इच्छा नहीं है कि लोग जाके नरक में तड़पे और लोग नरक में ऐसे जलते रहे मैं नहीं चाहता स्वर्ग नहीं तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मुझको तू चाहिए मुझको तू चाहिए तू चाहिए मुझको तू मेरा हृदय का आनंद है छोटा उम्र में ऐसे सब गवाही देता लोगों को अच्छा नहीं लगता था क्या ये स्वर्ग नहीं चाहता मैं नहीं कहा मैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए लेकिन मैं स्वर्ग पाने के लिए नहीं उसको चिपक था उसका प्यार ने मुझे गुलाम कर दिया उसको कहता सिर्फ 60 बरस से 50 बरस से उसके बाद कुछ भी नहीं है तो भी मैं तेरे साथ जीऊंगा क्योंकि तूने मेरे लिए जीवन दिया है इससे बड़ा प्रेम कुछ लोग आपका जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्रभु में पाते हैं ऐसे आप लोग गवाही मत देना मैंने दिया मैं दूंगा अभी भी दूंगा पता नहीं मेरे हृदय में इतना बड़ा कुछ सपना नहीं है स्वर्ग की खूबसूरती का मेरे हृदय में एकमात्र सपना है यीशु के संग चिपक कर रहूंगा उसमें बड़ी आनंद है पवित्रता से शोभायमान होकर पवित्रता से शोभायमान होकर उसके कुछ लोगों को लगता है अच्छा से स्नान लेकर अच्छा कपड़ा पहनकर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ भी गलती नहीं करना ऐसा पवित्र जीवन बिता के ये सब नहीं है पवित्रता से शोभायमान होने का अर्थ है परमेश्वर की पवित्रता मेरा जीवन में प्रकट होने के लिए मुझ में पवित्रता में कभी ना देखे पत्र समान बने अगर मैं अशुद्ध इंसान बने रहो उसके सामने ऐसा की तरह बनो कि तुम्हें अशुद्ध इंसान जब उसकी उपस्थिति में आओगे मैं अपने आप को सबसे नीच मानूंगा सबसे कभी ना सबसे निकम्मा तो प्रभु की महिमा उसकी 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 पवित्रता मुझको शोभायमान करेगा मैंने एक मनुष्य को अभी तक नहीं देखा जिसने परमेश्वर की महिमा और उसके पवित्रता को देखा है ऐसे छाती कर कर ऐसे सर ऊंचा कर कर मैं पवित्र जीवन बिताता हूं ऐसा कहने वाले एक को भी मैंने नहीं देखा आप प्रभु के सिंहासन के भीतर की कोठरी में आओगे और थरथराओगे
याचक ही भीतरी कोठरी में जा सकता। वो कैसे आता पता है कितने दिनों से वो अपने आप को पवित्र करता। उसको दुनिया के साथ कुछ संबंध नहीं है, वो अपने आप को दुनिया से अलग करता। वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, वो कभी झगड़ा नहीं करता, उसके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलता, वो कुछ भी गलत चीज को छूता नहीं है। ये लाश उधरे तो वो इधर से जाता। ऐसा पवित्र जीवन है, इतना भी काफी नहीं है। जाने से पहले अपने आप को इतना पवित्र करना चाहता चाहिए। ऐसे धोते हैं, ऐसा वस्त्र, नया वस्त्र, ऐसे मलमल का वस्त्र पहनते हैं। इतना भी नहीं, वो बलि चढ़ाते हैं, अपने पापों के लिए बलि चढ़ाता, इतने पवित्र बनता वो और लोगों के लिए बलि चढ़ाता। लेकिन वो पवित्र स्थान में जाते वक्त कांपते हुए जाता। हे महिमा मय परमेश्वर, तेरी पवित्रता का वस्त्र मुझ पर डाल, मेरी अपवित्रता को छुपा, मेरा महिलापन को छुपा। मैं पवित्रता से सोफाए मन होकर भीतरी कोठरी में आऊंगा और तेरी आराधना करूंगा। वो लोग परमेश्वर को समर्थ देते हैं, लोग समर्थ देते हैं। हम अनेक लोगों को शायद देखेंगे अगर समय मिला तो, सब लोग कहते मैं कौन हूं, ऐसा कथा वैसा इंसान है। लेकिन जब परमेश्वर उसको शोभाई मान करता पवित्रता से, वो कहता मैं जाऊंगा स्वर्ग की ओर से, मैं जाऊंगा। I am the best man to be sent by heaven on heaven's behalf। अमें स्वर्ग की ओर से स्वर्ग को भेजने के लिए अत्युत्तम पुरुष मैं हूं। अमें एक पल पहले तूने कहा तू गलत इंसान है, नहीं है, मैंने कहा मेरा अशुद्ध होट है, लेकिन मैंने स्वर्ग की ओर देखा, भीतरी कोठरी में वेदी को देखा, वेदी के नीचे का चलते हुए कोल कोयले को देखा। उसने मुझको मैं भी जाऊंगा, मेरा सब कुछ दूंगा, मेरा सब कुछ दूंगा। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, जैसा मेघ गरजता उससे भी ज्यादा प्रतापी ईश्वर गरजता नहीं है। यहोवा की वाणी जो है वो शक्तिशाली है, नहीं है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदार को तोड़ डालती है। वो जमाने में देवदार को बड़े मजबूत वृक्ष जानता था, माना जाना था, जानता था। वो जमाने में उनको हमारे गांव में जो है वृक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, तो हमारे गाँव में भी अच्छा अच्छा वृक्ष है, लेकिन फलस्तीन में तो सबसे बड़ा देवदार ही है, नहीं है। हमारे गांव में रोसवुड है, पता है आपके गांव में भी होता है, रोसवुड बहुत होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशम, शीशम है, शीशम है। देखा मैं फॉरेनर लोग को सब शीशम का टुकड़ा देकर डराया, वो बड़ा स्टाइल मारते हैं इंडिया में, आके बोलते ना ऐसा लगता है, मैं बोला ये किधर आया, इधर आया, इधर आ। तो हमारे ऑफिस में ये शीशम का कैसा एक लकड़ा को ये रखा है, मैं मोस्ट फॉरेनर्स को ये उठाने को बोलता है, वो बोलते ये स्टील है, ये लकड़ा है, शीशम जो सॉलिड सॉलिड वुड है उसको तोड़ता है। अगर मलयालम में ये बाइबल लिखने का था, ये हिंदी में लिखने का, तो वो तो वो शीशम को तोड़ता है। मलयालम में लिखने कैविटी को वो तोड़ता है, ऐसे वो लिखता। ऐसे लेबनान का देवदार हो उसको भी वो तोड़ेगा, नहीं है, इतना सामर्थ्य है, इतने सामर्थ्य है, नहीं है। और बोलते यहोवा की वाणी आंख के लपटों को चिरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देता है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरणियों का गर्भवाद होता है और अरण्य में पतचर होती है और उसके मंदिर में ये सब वर्णन करने के बाद तुरंत करते हैं उसके मंदिर में महिमा महिमा करता है। भैया उसका और इसका क्या संबंध है? परमेश्वर का सामर्थ्य का वर्णन, परमेश्वर का बल का वर्णन करता है। हमने शुरुआत में पढ़ा है परमेश्वर के लोगों यहोवा को महिमा दो और सामर्थ्य भी दो।
इतना कहने के बाद वो दिखाते तुम उसको क्या सामर्थ्य देने वाला है, उसका सामर्थ्य देखो। अब मेरे सामर्थ उसका सामर्थ्य का एक छोटा सा तस्वीर हमारे सामने रखता है। इतने बलवंत है वो, इतना प्रतापशाली है वो, इतना सामर्थ्य है वो, नहीं है ऐसा परमेश्वर उसको महिमा दे, नहीं है। इसीलिए लोग ये सब तस्वीर देखकर चिल्लाते हैं, महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। ऐसे परमेश्वर की महिमा जागने वाले लोगों के साथ क्या किया जाता, वहां लिखा है जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। हिंदी वाले की हिम्मत किधर है, हिम्मत पावर है यार, अनुवाद करो, सही अनुवाद करो। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, यहोवा तो सदा विराजमान है, मालूम लोग पढ़ो अंग्रेजी में पढ़ो, जल प्रलय के समय प्रभु विराजमान था, क्या बेवकूफ है यार, सदा प्रभु विराजमान है। यहां लिखा है जल प्रलय के ऊपर उसने कुर्सी रख के बैठा, ऐसा लिखा है। उसको ऊपर वो विराजमान है, जल प्रलय के समय नहीं विराजमान। हालेलुया, जल प्रलय के ऊपर वो राजदंड बना के, लोहे के राजदंड बनाकर ही रिमेन एंड थ्रोन ऑफ द फ्लड वाटर, ये कहते हुए कि जल प्रलय हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो मेरे अधीन है। ये है उसका बल, आमेन, ये है उसका सामर्थ्य। यहोवा अपनी प्रजा को ये बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को ये बल देगा, ये बल को हमने इसलिए किया, अबे यहोवा का बल को हमने इसलिए किया, ये बल वो मुझको देगा। अबे मित्र की कोठरी में मैं जब मैं आता, मैं सिर्फ उसकी महिमा को चाहता और परमेश्वर के मार्ग के जन की छुटकारा चाहता, तब ये बल मेरी होगी। परमेश्वर अपने जन को बल देगा, कमजोरी में बल देगा, ये कंगाल पर की अवस्था में बल देगा, ये पराजय की अवस्था में बल देगा, ये निंदित और पीड़ित होकर रहता हूं इस अवस्था में बल देगा। हालेलुया, ये बीमारी में बल देगा, ये गिरावट में बल देगा, वो बल चखने के लिए उसके झलक का हमारे सामने दिखाया और कहते ये बल अम्मी तू तेरा लेके आओगे और मेरा लेके जाओगे। एडवर्टाइजमेंट है सारे जो है पुराना टूटा हुआ चप्पल महिला कपड़ा सब लेके आ नया लेके अच्छा कचरा में डालने के लिए जो रखा वो नहीं, come as you are, सब कुछ लेकर आ, तेरा अति श्रेष्ठ लेकर आ, कुछ जो आदमी प्रभु की सेवा करना चाहता, आज भी सेवा करना चाहता, ऐसे लोगों को प्रभु कभी चुनता भी नहीं, प्रभु को चाहिए नहीं, प्रभु आलसी लोगों को नहीं चुनता, प्रभु ऐसे लोगों को चुनता जिसके हृदय में प्रथम स्थान परमेश्वर के लिए है, उसका आनंद का कुंड और स्रोत परमेश्वर है, उसकी स्वार्थ लाभ नहीं है, उसकी महिमा नहीं है, उसका मान सम्मान नहीं है, लोगों की ओर से आदर पाने वाली बात नहीं है, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। मैं तो चाहता कि मेरा सब कुछ आप लोगों के सामने प्रकट करके थोड़ा आदर पाओ, लेकिन बिचलोर नहीं है,
कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो प्रभु के लिए करता चुपचाप, किसी के नजर में नहीं आता, किसी ने भी नहीं देखा, किसी को पता चलेगा भी नहीं, फिर क्यों करता? उसके हृदय का आनंद है, हृदय का आनंद है। हालेलुया, परमेश्वर को बल देता मैं, तो प्रभु उसका बल मुझको देता। मेरा बल क्या था? रोज गिरने वाली बात था। मेरे सबसे श्रेष्ठ भी प्रभु की दृष्टि में क्या है? दो पैसा मेरा, विधवा का दो पैसा, विधवा का दो पैसा, वही था मेरे पास, वो पूरा पूरा मैं लेकर आया, पूरा पूरा मैं लेकर आया। मेरे बचपन याद करके आज भीतर रोने की कारण हुआ है। खास करके हमारी लड़कियां, बहुत खूबसूरत लड़कियां, बहुत खूबसूरत लड़कियां, वो लोग बाहर आते ऐसे रोड के किनारे पर खड़ा रहता, लड़की गाता, लोग कुछ भी नाम से पुकारता तो मांगा, घर वाला भी बोलते तुम लोग कुछ काम करना नहीं है, सब लोग बहुत बहुत गलत, सब कॉलेज में उनको इतने निंदा होता है, लेकिन बड़ी खुशी और आनंद है, बड़ी खुशी और आनंद है। मेरे सब कुष्ठ रोगियों का उधर जाता, असेलर में जाता, बोलो पागलखाना में जाती, अरुण जेल में जाती, उसमें बड़े आनंद है। कॉलेज में सब लोग उसको अलग 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 नाम से पुकारते हैं, ये सब मेरे बहन लोग हैं, मुझे बहुत गर्व है उसके विषय में, बहुत गर्व, आज मैं बहुत गर्वित होकर सोचा, वैसे भी लोग हैं। हालेलुया, नाम कमाने के लिए नहीं, निंदा भोगने के लिए है। कोई नहीं कहता तू अच्छा कार्य किया, उसको बाबा भी गाली देता है, चर्च के लोग भी गाली देते हैं, और दुनिया वाला भी गाली देते हैं, कॉलेज के सब लोग थूकते हैं, लेकिन प्रभु में आनंद है, यहोवा को बल है। कोई भी लज्जित नहीं हुआ, वैसे एक भी, मैं हमेशा ये कहानी बताता, एक भी लज्जित नहीं हुआ, प्रभु ने ऊंचाई में हर एक को खड़ा किया। आज भी प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहे, मैं मिलता नहीं है लेकिन मुझे रिपोर्ट मिलता। कुछ लोग परमेश्वर को अपना बल देता, यौवन एक भी शादी भी नहीं किया था, हुआ था लोगों का इससे अवस्था में, प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए है। लड़कों को छोड़ो, लड़कों कुछ भी कर सकता है, प्रभु को बल देता है और प्रभु बल देगा, प्रभु अत्युत्तम चीज देगा, उसमें सबसे प्रधान परमेश्वर का बल है। वो परमेश्वर को बल को हमने देखा, अग्नि हो उसके ऊपर वो विराजमान है, मेघ गर्जित उसको ऊपर से वो गर्जित, जल प्रलय था उसको ऊपर वो सिंहासन बिठाता, नहीं है रुकाने वाली, जैसे लकड़ा हो या कुछ भी हो, बंदर हो, उसको फाड़ता हो। अबे अनेक दुष्ट जानवरों के बीच में एक बेचारी हिरनी गर्भवती है, उसको उसको बच्चा जन्माने के लिए वो वहां एक सुरक्षित स्थान को भी तैयार करता है। ये परमेश्वर का बल है, ये बल मुझको मिलेगा, ये बल आपको मिलेगा, आप बंदर को छोड़ देगा। अब आपकी सवार ऐसे परीक्षा में खड़ा रहेगा, अनेकों को बचाएगा, ये बल प्रभु देगा, ये परमेश्वर का वायदा है। दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब हम देखते हैं गिदोन को, कितने बार ये कहानी मैंने आपको सुनाया, मुझे याद नहीं है, आप अंदर हंसता होगा कि इसके पास कुछ है ही नहीं, सच में बोलो मेरे पास कुछ है ही नहीं, सच में बोलता मेरे पास कुछ नए बात है ही ना। गिदोन और जी हालत में आप जानते हैं, मिद्यानी इतने तड़पाते थे,
सारे फसल वो लोग काट के जाते थे और इन लोग को गुलाम बनाकर रखते थे। परमेश्वर की ओर से छोड़ दिया गया उसकी प्रजा और दुश्मन के वश में कर दिया गया उसकी प्रजा है। और परमेश्वर का दूध का अर्थ हमने कई बार सुना है, एंजल ऑफ द लॉर्ड कहेगा वो द सन ऑफ गॉड है, ये बात हम जानते हैं। परमेश्वर का पुत्र स्वयं आकर उसको क्या करके बुलाता शूरवीर सुरमा। जब परमेश्वर आता उसका बल उसका सामर्थ्य और उसकी वीरता लेकर आता। हालेलुया, उसने वो दिया उसको, इसलिए उसको बुलाता। परमेश्वर का पुत्र पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शूरवीर सुरमा बुलाने के लिए। हमें ये ताकत का चर्चा हमने जो सुना है, ये ताकत का वर्णन जो हमने बजट में पढ़ा है, वो लेकर मैं आया हूँ। अब तुझसे कम नहीं हो सकता, तो मैं तेरे संग कर रहता, तू वीर सुर शर्मा ही बनते रहेगा। अब तू कमजोर हो ही नहीं सकता, तू पराजित हो ही नहीं सकता। कैसे हमने तो तेरा बल और तेरी महिमा की चर्चा सुनी, लेकिन अब तो नहीं दिखाई देता, अब होगा। मैंने एक पुरुष को ढूंढ निकाला, मैंने एक मनुष्य को पाया जो मुझको बल देने पर है। मेरे लिए सब कुछ अर्पण करने वाले एक मनुष्य को मैंने देखा, उसके जीवन को खतरे में डालने वाले एक पुरुष को मैंने देखा, इसलिए मैं आया हूं। मेरा सामर्थ्य लेकर आया, मेरा बल लेकर आया। ऐसा प्रार्थना करने से मैं गिदोन की तरह नहीं बनता। मैं जब गिदोन की तरह बनने के लिए अपने आप अर्पण करता तो प्रभु मुझको गिदोन की तरह बनाता है। आपको पता चला मैं क्यों गिदोन नहीं है? ये कुछ भी करेगा प्रभु के लिए है। कितना अपने जान को खतरे में डालना है वो डालने के लिए मनुष्य तैयार है। उसको अपने आप को बचा के रखने का एक शब्द नहीं उसका मुंह से निकलता। प्रजा की चिंता है, इसराइल की चिंता है, कलीसिया की चिंता है, खुद की नहीं है। कहते दुनिया में छोड़ दिया तुमने, हमें इतना निंदित और लज्जित होने दिया। तेरा सामर्थ्य कहां है, तेरी महिमा का? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं उसी में खत्म ही हो। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएलियों को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मैं हम तो ऐसे नहीं कहते, नहीं आगे तक बाकी है। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि कर कहा, अपने इसी शक्ति पर तू जा, इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। मैं सोचे वो बाद में आता है, नहीं पहले है, पहले है, उसे छोड़ लिया। नहीं कोई बात नहीं, अभी जो पढ़ा अभी वो उसके बारे में मैं कहना चाहता। मैं होता तो मैं उसका आवाज करता, उसको बोलता था कि देखो सब लोग लड़के मारे घर में बैठे, मैं कम से कम हिम्मत करके भैया ये गेहूं पीसने के लिए मैं तो आया, कम से कम मैं तो आया, नहीं है मैं आया, तू मुझको क्या प्रतिबल दे? मैं सबसे छोटा हूं प्रभु, मैं अयोग्य हूं, सबसे छोटे कुल क्या है, सबसे छोटे कुल क्या है, मैं अपने आप को महान नहीं समझता। परमेश्वर के लिए रास्ता बन गया, परमेश्वर के लिए रास्ता बन गया। परमेश्वर को महिमा दो। मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं, मैं बलहीन हूं करके वो पीछे नहीं हटेगा। अब अब प्रभु कहता उसके पहले जो बना ये बल काफी है,
अपने पाप को कबूल करना, पश्चाताप करना और परमेश्वर के हाथ से यूज किया जाने के लिए, इस्तेमाल किया जाने के लिए अपने आप पाप पर करना, उसी में तेरा सामर्थ्य है, वही तेरा बल है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, यही मेरा ताकत है। मैंने भी आयामशाला में जाकर बनाया हुआ ताकत नहीं है। बचपन से मैंने बहुत वचन पढ़ के आया, बहुत जानकारी है, वो ताकत नहीं है। अनेक लोग गिरता गिरता, मैं तो अति पवित्र जीवन बिताता हूँ, उसका ताकत नहीं है। मैंने परमेश्वर के पितरी कोठरी में जाता, उसकी महिमा के सामने मुझे पता चलता मैं उपयोग शून्य है, मैं नालायक हूँ, लेकिन प्रभु के हाथ में मैं रहता हूँ। इस बल से जा, ये बल काफी है, प्रभु कहते ये बल काफी है, प्रभु के संग खड़े रहोगे वो बल काफी है, अपने आप को शून्य कर दोगे वो बल काफी है। जब तक मैं अपने आप को शून्य नहीं करता, मैं परमेश्वर का बल को धारण नहीं कर सकता। प्रभु इस बर्तन को भरना चाहता है, लेकिन यहाँ अहंकार छुपी हुई है, या गुड़गुड़ाहट छुपी हुई है, या नफरत छुपी हुई है, वह गुस्सा छुपी हुई है, वह आरोप लगाने वाली एक आदत छुपी हुई है, कोटापन है, कपट भाव है। परमेश्वर कहता है ये बल काफी है, मैं आया हूं, मैं तेरे संग खड़ा हूं, ये बल काफी है। तूने अपने आप को खाली किया, मैंने भर दिया, सोचो तूने खाली किया, मैंने भर दिया, तूने मुझको दिया, मैंने मेरा तुझको दिया। आदान प्रदान होती है, आदान प्रदान, लेना देना, लेन देन होती है। अमें तू सब कुछ मुझको दे, मैं मेरा सब कुछ तुझे दूंगा। उसमें सबसे प्रधान यहोवा का बल है, बताओगे? गिदोन की कहानी आप जानते हैं, उसको प्रभु ने बहुत गेहूं दिया, उसको बड़ा राजा बनाया, नहीं, नहीं। आधी रात को वो काम शुरू किया है, नहीं है। बाल की वेदी को तोड़ना है, इतने बड़े मक्का को, इतने बड़े मंदिर को तोड़ना, किसने बनाया? उसका बाप ने बनाया, बाप के खिलाफ, पूरे जाति के खिलाफ। अबे तुम कहां रहोगे? ये हिम्मत कहां से आया? ये हिम्मत कहां से आया? ये बल काफी है, ये बल काफी है, ये बल काफी है। आधा पल में ताकत वाला बनोगे, आधा पल में हिम्मत वाला बनोगे। अब चलते राजा राजा 19:4-8 एलिया ही हो सकता है। और एक पर्वत पर, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है। बैठ गया, बैठ गया, यहोवा के लिए दौड़ने वाला मनुष्य था, अभी वो बैठा, बैठ गया, नहीं है अभी। एक ही चाहत मेरा, मुझे जल्द से जल्द मरना है। आज भी मृत्यु मांगने वाले लोग दुनिया में है, विश्वास नहीं करेगा, रो रो कर मुझसे। कुछ लोग कहते परमेश्वर के दास प्रार्थना करो कि आज मेरा अंतिम दिन हो, बुढ़े बुढ़ी नहीं है, जवान लोग हैं, मुझसे बात करो, कल भी बात करो मुझसे, ऐसे प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ला ले, मैं पल के लिए इधर लेना नहीं चल। एक व्यक्ति नहीं है, एक लोग, आप लोग तो 120 वर्ष तक जीना चाहता है, नहीं है? कुछ लोग मरना चाहता है,
क्योंकि लगता है कि जीवन में प्रभु को कुछ फायदा नहीं है, खुद को भी नहीं आया, ऐसे जिंदा रहना एक बड़ा बोझ है, इसे सोचने वाले अनेक लोग हैं। मैं उसको कहता कि तुझको कोई हक नहीं है तेरे ऊपर, तुझको कोई हक नहीं है, ऐसे जीवन प्रभु चाहता है कि प्रभु का हाथ मेरे के दिया जाए। प्रभु चाहते ऐसे जीवन, एक मनुष्य ही सकता, उसको मरना है, नहीं है, बैठ गया। बैठने के बाद अपने आप को तैयार किया। मैं भी ये बचपन से ऐसे सोचते आए, ये गलत चीज है, सोचना नहीं। मैं हमेशा सोचता कि जब मैं मरूंगा तो मुझे 5 मिनट मिले तो मैं तरह तैयार तरह से लोग देखेंगे ये बचपन की वजह से अच्छे समय मिलना चाहिए, तो अच्छा से सजा के लेंगे, ऐसा तो अच्छा नहीं होता है। तो पता है मेरा ससुर जी मरने के पहले ऐसा कपड़ा इस्त्री करके एक कवर में, आज मरता तो कल रात की बात है, बहुत अच्छी तरह इस्त्री मार के कवर में बना के साइड में रखा। और पिछले दिन मुझको बोला है कि अभी समय नहीं है, अच्छा घंटा सा ये तुम्हारे बात बोल रहा है, तो मैं भी ऐसा सोचता था थोड़ा तैयारी, ये सब तैयार हो गया, लेटा हो नहीं है क्या, सो गया हो, बोला कि अब ये नींद में हो ना, पढ़ के सोचा लेट के तैयार हो गया। प्रभु को ऐसे मनुष्य बहुत कम मिलता, इसलिए कमजोरी की घड़ी में भी प्रभु उसको छोड़ता नहीं है, प्रभु भूलता नहीं है, प्रभु भूलता नहीं है। आहाब जो दुश्मन राजा की सामना इतना हिम्मत से किया जीवन खतरे में डाल के, प्रभु नहीं भूलता आपको, प्रभु नहीं भूलता। एक भी लड़ाई में आपने प्रभु के लिए जो हिम्मत दिखाया वो प्रभु नहीं भूलता, हमें नहीं भूलता वो कर्मेल के छोटी पर कड़े कड़े इतने नबियों के खिलाफ राजा के खिलाफ आपने जो साहस किया प्रभु नहीं भूलता। एक बार गिरने से आप मिटाया नहीं जाता, एक नाराजी में डूबने से प्रभु ने आपको कभी नहीं छोड़ दिया है, अब दोबारा खड़े हो जाओगे। स्वर्ग से ऑर्डर करना पड़ा, कुछ हॉस्पिटल में जाएंगे तो बोलते ये दवा इंडिया में नहीं मिलता है, कौन सा भी दवा सुरेश भाई को आ जाए वो नहीं बोलता कि ये दवा इंग्लैंड से लेकर आना, पहले बोलता तो अपना हीरो साहब आया बोले उधर से लेके आता था, अभी हम अभी बोल रहे ना, पहले से बोलना चाहिए था, और उधर से इंपोर्ट करना चाहिए, इधर से इंपोर्ट करना चाहिए, ऐसे सब बोलता है। ये इतना गंभीर उसका अवस्था है, स्वर्ग से इंपोर्ट करना है और जल्दी आना है तो भेज भी नहीं सकता, तुम स्वयं उतर कर आया किला थोड़ा होश में आया हो, थोड़ा सा होश में आया, इसके लिए तो गाना गाया ना कि हमारे इतवार की तरह, इतवार को मैं होश में आता, हाँ इतवार को मैं होश में आता, क्योंकि परसों मैंने निर्णय लिया आज इतवार को एक शब्द नहीं बोलूंगा, तो बाद में मैं सोचा ये इतवार को बोलूंगा, बाद में सोचता तो आज कैसे की आखिरी इतवार नवंबर को खत्म कर, इसके लिए आया लेट था, थोड़ा सा भोजन से प्रभु नहीं छोड़ता भाई, प्रभु ऐसा बर्तन को आसानी से नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु जानता इसका चाहत सिर्फ मेरी ओर है। आपके बीवी क्या कर, सॉरी एलिया की बीवी क्या करती थी, एलिया का बीवी शब्द नहीं, आप लोग वचन पढ़ते तो थोड़ा सा ध्यान से देखो उसमें, कुछ कुछ लोगों के विषय में कुछ भी बात नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में प्रथम स्थान और एकमात्र स्थान परमेश्वर का है। उसका बाप कौन है मालूम नहीं, उसकी माँ कौन है मालूम नहीं, हमें बहन के विषय में एक शब्द नहीं कहा, उसकी बीवी थी क्या नहीं थी कुछ किसी को पता नहीं, उसके संतान था उसका वो विषय नहीं है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कुछ, लिया दोबारा खिलाना पड़ा, मैं आऊंगा प्रभु कहते मैं तुमको खिलाऊंगा,
नहीं है। ऐसा आहार खिलाएगा कि उसके पहले जब जवानी के दिनों में तूने नहीं चला उतना चलोगे। इतने पहाड़ों को पार करके तू आएगा, इसबेल की कैदी बनेगा नहीं, परमेश्वर के पर्वत पर होंगे। परमेश्वर के पर्वत पर कुछ चल के आएगा, और पीड़ित का जैसे उठाके क्यों नहीं लेके जाता? ये बल काफी है, ये बल काफी है, ये बल काफी है, ये बल काफी है, ये घर से जाओ। आमेन। यस, ये बल काफी है। यस लॉर्ड। परमेश्वर उसको खींच के उठाया और धक्का मार के चलाया। ये नहीं करता। आमेन। वो तैयार हो गया, गिदोन तैयार हो गया, मैं तैयार हो जाऊंगा, वो यहोवा को बल देने वाले अंत हो है। जब मैं उसके कहने पे जाने के लिए तैयार होता, मैं परमेश्वर को बल देता और परमेश्वर का बल मुझ में आता। बाकी सब कहानी है। उसने जो भी किया, उसने कभी जिंदगी में ऐसा कार्य नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा गुरु, एक अच्छा चेला को तैयार कर सकता। यीशु ने भी कहा, एक गुरु के समान बनना ही चेला के लिए सही है, लेकिन ये गुरु के समान बनने वाला चेला को नहीं चुन लिया, गुरु से डबल बनने वाला। उसके जन को बल देगा, हम उसको बल दे, वो हमें परमेश्वर का बल देगा। आगे बढ़ता है, एस्तेर 15-17। तब मर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सल और बैजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला और शुशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। अभी मर्दकै राजा से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं है। राज्य की ये वस्त्र पहना, एक छोटा सा मुकुट भी मिला, मुकुट है। भिखारी की तरह, टीचर की तरह फाटक पे तू पड़ता था, कुत्ता की समझता नहीं था तुझको। क्यों वो वहां पढ़ाता पता है? उसकी जो बेटी भीतर है उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, परमेश्वर की प्रजा की सुरक्षा के लिए। कुछ लोग परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, एक भेड़ के लिए अपने आप को इतना लज्जित और निंदित कर देता, इतना चुकता, इतनी निंदा सहता, इतने आरोप सुनता। वो है मर्दकै। हामान को थोड़ा मस्का मारता तो वो भी कुछ बन सकता था, लोगों को खुश करने वाली जो शब्द कहता तो वो कुछ बनता। मैंने भी सोचा कि लोगों को खुश करूंगा, लेकिन मैं सोचा कि कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बोलना ही नहीं, कुछ भी कोई अच्छा है। खुश करने वाली बात कहना मेरे लिए बहुत कठिन है। ऐसे मनुष्य को प्रभु सुनता नहीं है। बेटी भीतर है, उसको कहता तू भी अपने आप को कतरे में डालो। कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ लोग अपने बच्चे लोगों को
प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पण कर देता है। प्रार्थना नहीं करता कि अमेरिका में भेजो, प्रार्थना नहीं करता कि उसको बहुत बड़ा 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 क्वालिफिकेशन दे दो, प्रार्थना करते हैं प्रभु वो तेरा प्रयोजन का बन जाए। कुछ माँ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बाप लोग ऐसे होता है, मैं ऐसे लोगों को जानता, उसके जीवन में दूसरा कोई भी लक्ष्य नहीं है। तो कुछ लोग माँ बाप को पूछता अब आपके बच्चे के विषय में क्या सोचता, उसको क्या पढ़ाना है, कुछ माँ बाप को एक उत्तर ही नहीं है देने के लिए, बोलते हमने कभी सोचा नहीं, एकमात्र चाहता है तो तुम प्रभु को प्रयोजन का बनना चाहिए, बाकी कोई चाहत नहीं है, बाकी कोई चाहत नहीं है। मर्द कहे कि एक माता आग्रह है, वो मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन मरते तो प्रभु के लिए मरो। प्रभु के लिए मरना ही जीवन है। एस्तर की कुर्बानी की परिणाम है यह, एस्तर छोड़ दिए जाएगी नहीं, रानी समान रानी है। सच बोलेगा तभी चाबी किसके हाथ में वाला है, एस्तर के हाथ में है। हालेलुया, ऐसे वस्त्र पहनकर, ऐसे बड़ा सोने का मुकुट पहनकर मर्दकाई बैठा, मनमानी कर सकता, क्योंकि सील उसके हाथ में है। जो लिखता वो नियम बनता, ये बल है परमेश्वर अपनी प्रजा को ये बल देगा, नियम को तू बनाएगा, तू जो कहता वो होगा। जलम प्रलय हो, अमेर देवदार जैसे रुकावट हो, या अग्नि समान समस्या हो, या गर्जने वाली सिंह की अवस्था हो, तेरा मुंह से शब्द निकलेगा वो सामर्थ्य की शब्द होगी, वो बल का शब्द होगा। उसके बाद क्या हो गया, परम खत्म करो उसको। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। नतीजा ये वो बोलती है, मर्दकाई की खुशी का वर्णन ही नहीं है वहां। और बंदा कसीना यहूदी लोग उत्सव मनाने का मौका मिला, जीवन से परमेश्वर के जन आनंदित हो जाए, परमेश्वर की प्रजा आनंदित हो जाए, बाकी सब व्यर्थ है। परमेश्वर जब बल देता आपका अभिषेक प्रकट करने के लिए नहीं है, जानकारी प्रकाशित करने के लिए नहीं है, पवित्रता प्रचुर करने के लिए भी नहीं है। कुछ टूटा हुआ जीवन बन जाएगा, कुछ तो नाराजगी के गड्ढे में से उभारा जाएगा। परमेश्वर के जन्म के लिए उत्सव मनाने का अवसर होगा, ये बल प्रभु देगा। हर मर्दकाई हालेलुया बल से धारण किया जाएगा, सामर्थ्य पाएगा, और ये बल से जाओगे हालेलुया दुश्मन झुकोगे। हम आगे बढ़ते हैं, यशायाह 10:24-27। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह छोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। यह अश्शूर का काम है आपको सताने का, उसका स्वभाव है, वो करते रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते कि अभी भी शैतान हमारे पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि उसका काम है, उसका काम है, वो करेगा उसका काम, वो मेरे जैसा आलसी नहीं है, बड़ी ईमानदारी से उसका काम करता, बहुत ईमानदारी से काम करता हो,
उतनी ईमानदारी से परमेश्वर के जन नहीं कार्य करता हूं, तो अशुर तो लाठी उठाएगा और क्या करेगा, मिस्र भी कुछ करेगा। ये लिखा है उधर ये मिस्र ने जैसे तेरा पीठ को मारता था ना, ऐसा भी अशुर मारता है। और क्या होगा, ये थोड़ा समय के लिए है, उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसे उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानों को मारा था। ये कहानी गिदोन का है। ये गिदोन की कहानी है, वो सब हमने पढ़ा नहीं, समय कहाँ है इतना। तो गिदोन मिद्यानी के विरोध में खड़ा हो गया, तुरही फूका, ये सब आपको मालूम है। गिदोन के लोग जाकर ये दो बड़ा हीरो, एक ओरेब नाम का एक हीरो है और एक सीम ऐसा करके एक नाम का दूसरा हीरो है, दोनों राजकुमार लोगों को, ये राजकुमार नहीं ये बच गया, तो लोगों को पकड़ के लेकर आया और गिदोन के सामने उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इसके लिए वहां का जो चट्टान का नाम ओरेब हो गया, इसके लिए लिखा है वैसा में करने वाला है। शक्तिशाली सिर्फ एक गिदोन नहीं है, और भी होंगे, ये परंपरा चलेगी, इसलिए निवासी के जीवन में यही होगा। हालेलुया, ओरेब को और सीप को, ऐसे महान महान वैरी को खत्म करने के लिए जैसे मैंने ये गिदोन के हाथों को मजबूत किया, उसको बल दिया, वो बलसियों के लोग भी पाएंगे। हालेलुया, नहीं है ऐसा होगा, मैं करूंगा ये काम, ऐसा प्रभु का आगे बढ़ो। और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुबा तेरे गर्दन पर से। अरे जल प्रलय के ऊपर बैठकर राज करने वाला परमेश्वर के लिए लाल समुद्र क्या है? हमें लाठी उठाया जाएगा, राजदंड तेरा हाथ में है। हमें हमें एस्तर के कारण राजदंड अब मोर्दकै के हाथ में है, वो उड़ाएगा, सारे समुद्र सूख जाएगा। नहीं है इतना ही नहीं, मैं ये सब चीज तेरे लिए करता, तू एक बलहीन कमजोर इंसान होकर नहीं बैठता। पढ़ो 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 पढ़ो। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तेरा अभिषेक के कारण, तेरा अभिषेक के कारण, वो सिर्फ मुझे थामे रखने वाला नहीं है, मुझे बलवंत बनाने वाला है। एक दिन आएगा मेरा अभिषेक मेरा जुआ को तोड़ने का लायक बन जाएगा। आमेन आमेन। दुश्मन दो बार सोचेगा आपके कंधे पे उसका जुआ लगाने से पहले ही। उनको पता है ये नष्ट है, डबल नष्ट है, मेहनत नष्ट है, जुआ भी टूट जाएगा। चुके नाम पे आमेन। मेरा अभिषेक के कारण ये आंसू पोंछने वाली सिर्फ एक बात नहीं है, नमकाद मात्र मदि अवन கண்ணீர் துடைக்கணும், அவன் தழுகணும், அவன் தாழ்வளிக்கணும், அவன் அவனை பாட்டு பாடணும், அவன் என்னை உரைக்கணும். தெய்வ ஜெதவே அவனே குறிச்சுள்ள சொப்னம் அது ஒன்றும் அல்ல. ஹல்லேலூயா. एक मां की सबसे बड़ा सपना ये नहीं है कि उसके बेटी को गोद में लिटावे और उसका आंसू पोंछते रहे और उसको लालो लाली 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 गा के उसको, लाली नहीं सॉरी, अभी उसको ऊपर बड़ा समस्या आ जाए, रारो 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 गा के दोनों नहीं बच गए, तो रारी 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 गा के ये सब नहीं है। यस, मां की आंख में एक सपना। यस, हालेलुया हालेलुया आमेन। दूसरे दर्जे में पढ़ता था मैं, एक लेसन है मलयालम में, എന്റെ അമ്മ എന്നും രാവിലെ എനിക്ക് കാച്ചിയ പാല് തരും, ഹര റോജ് മേരി മാ മുജ്കോ ഉബാല ഗയ ദൂധ് പിലായേഗി। മേരെ ക്ലാസ് മേ ദൂധ് ദേഖേ ഹുവേ ബച്ചോ ബഹുത് കമ ഹൈ, ചലോ യേ പഠ കേ അഭി ഹോ ഹോതാ ഹോഗാ, മേ ഗരീബ് സ്കൂൾ മേ പഠ, കോൺ ഇസ്കോ ദൂധ് പിലാതാ, പാല് ലേ ബോൽതെ ദൂധ് കേ പിലായേഗി, മാ കാ ദൂധ് ഭീ ആയേ വോ ബച്ചോ മേ, ലേക്കിൻ വോ ആ എക് സാൽ മേ ഹോതേ നാ उसके चाहते कि मैं पाप के समान बन जाऊं।
ഞാൻ അച്ഛനോളം വലുതാകണം, അതാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം. ദൂസര ദർജമിച്ചു ये बन से जा, ये सिर्फ गिदोन के लिए नहीं है, ये सिर्फ गिदोन के लिए नहीं है, ये सिर्फ दरबारों के लिए, दरबारों के लिए नहीं है, आमीन, ये सिर्फ याइर के लिए नहीं है, ये हर सियोन कुमारी के लिए है, हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 40:28-31, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। बहुत परिचित भाग है पढ़ने को, मुझे तो शर्म भी लगता था, फिर मैं सोचा कि पढ़ते ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। परमेश्वर यहोवा कहता है, अरे तेरे जैसा अनेकों को मैं उठा के ले फिरता, आदि से अब तक मैं नहीं थका हूं, मैं थकूंगा नहीं। 30 लाख से अधिक लोगों को मैंने एक कंधे पे एक साथ उठा के लेके आया, मैं नहीं थका। और तेरा ये बोझ क्या है, तेरा ये बोझ क्या है? मलयालम में कहते हैं, तीर कुछ वेरत वाड़ गई ना, जिसका जन्म अग्नि में हुआ वो धूप में मुर जाता नहीं। परमेश्वर कहते, तू क्या बोलते, तू गिर पड़ा, तू क्या बोलते, तेरा इतना बड़ा बोझ है, ये कंधे को देखो, ये कंधे को देखो, इतना बोझ उठाकर मैं नहीं तकता, मैं श्रमित नहीं होता। अनेकों को उस किनारे पे पहुंच जाया है, अनेकों को विजय पीठ पर मैंने खड़ा किया है। हालेलुया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वह थके हुए को बल देता है, वो उठा के लेके चलता ही नहीं है, वो बल देता है। हालेलुया, उसी में मजा है भाई। उसी में मजा है। अरे छोटा भाई सुनेगा तो वो सुनता नहीं है। मेरे छोटे भाई अब लोग देखा उसको, जॉनसन गंभीर दर्द बीमार पड़ा बचपन में, तो उसको पोलियो के इंजेक्शन वगैरह नहीं लिया, वो जमाने में नहीं, उसको पोलियो आया, ऐसा हो गया वो हालत। तो डॉक्टर बोले ये कभी नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 9 बरस तक जिएगा, ऐसा वो कोई क्या लंबा चौड़ा कहानी है। तो ऐसे एक प्रॉन, प्रॉन्स को क्या बोलता है, जिंगा, मछली देखा है, ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है बिस्तर, इसको पैर से वो ये गए। तो मेरा काम है इसको उठाने का, कैसे, पीठ में बटटा करके खेलते ना, तो आप लोग कहते नहीं बच्चे क्या बोलते इसको, सब काम के लिए मेरे को इधर से उठा के चलने के लिए, इतना छोटा भी नहीं है वो, थोड़ा सा बड़ा लड़का है, तो उसको मैं पीठ में, ये मेरा काम है, अभी वो नहीं है, वो स्टेट लेवल का रनर है, वो बॉलर है, बहुत कुछ है, ठीक है। उसको बोली आए तो बोलेगा तो कोई मानी नहीं, कुछ विश्वास ही नहीं कर, सब झूठे कहानी लगता, पर मुझे अद्भुत रीति से एक रात उसको चंगा किया, वो सब कहानी, वो छोटे जुने जमाने की कहानी। मैं कुछ दिन पहले नहीं, कुछ समय पहले मेरा घर में ऐसा सॉक्स पहन के आया जो फिसल के ऐसा टक करके गिर गया, इतनी गंभीर रीति से गिर गया मैं, ये पीठ वो स्टेप्स को इससे लग के मैं ऐसे पड़ा, मरा वहीं से पड़ा। तो लकली ये भाई मेरे घर पे आया था, वो कभी भी इतवार को 8 बजे के करीब करीब 8:30 एक तो घर में आते, क्योंकि उसको पता है ये लोग
सब कई सब करके आराधना करके आया लोगों को आया तो मैं बड़ा बहुत हंसी मजाक करने वाला आदमी है हमारे घर में सब लोग इसे ही बात करते बाकी लोगों का अच्छा नहीं तो मैं को तो आधा होश है धरती तरफ यहाँ इसे पड़ा है उठने को नहीं होता कुछ नहीं कर पाता कैसे पड़ा ठीक क्या बोलता दर में गिर पड़े तो भी उठ जाएगा उसने मुझको ऐसा उठाया मैं इतना कम वेट वाला आदमी नहीं है उठा फिर उसकी बीवी भी थी पकड़ा मेरे को नीचे के बेडरूम में इसे सुलाया और मेरे को बोलता है बचपन में कितने महीने तक चटक मतलब मैं उसको उठा के चलता अब ये उम्र में मैंने उसको उठाया ये प्रभु की इच्छा होता है चला उसमें मुझे कोई खुशी नहीं है मैं उसको खिलाता मैं उसको सुलाता था उसमें कोई खुशी नहीं है अब वो दोबारा स्कूल में गया हर क्लास में फर्स्ट आया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया दौड़ में फर्स्ट आया फुटबॉल में कैप्टन बन गया अब बीआरसी में इतने बड़े ऑफिसर बन गया अभी जीएम के ऊपर है वो कोई तो बड़ा डायरेक्टर है बन गया उसी में खुशी है प्रभु अपने जन को बल देता प्रभु अपने जन को बल देता तब तक मैं उठा के चलता लेकिन एक दिन आएगा तू आने को उठा के चलता मैं नहीं चलता हूँ तुम भी नहीं थकोगे आगे बढ़ोगे 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 थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं अरे ये कहानी मुझको मत बता उसके साथ ऐसा हुआ वो परमेश्वर के दास के साथ वैसा हुआ इसने किया मुझे नहीं सुनना है परमेश्वर का वचन कहते हैं कुछ लोग गिरता होगा कुछ लोगों के साथ कुछ भी होता होगा लेकिन तेरे साथ नहीं होगा तू बल के ऊपर बल धारण करोगे परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे नया बल प्राप्त करोगे एलिया की तरह बल प्राप्त करोगे गिदोन की तरह बल प्राप्त करोगे देबोरा की तरह बल प्राप्त करोगे बारा की तरह बल प्राप्त करोगे यायर की तरह बल प्राप्त करोगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे चलेंगे और थकित न होंगे तू चलेगा तू दौड़ेगा उड़ेगा वही हुआ मेरे छोटे भाई के साथ वो जमाने में बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट था डॉक्टर आइसक उसने मेरे मां को बुला के कहा कि इसका हार्ट इतनी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है करना पड़ता श्वास नहीं ले सकता वहां बंद कर पाता है मेरी माँ को बोला डिस्चार्ज कराओ हॉस्पिटल में डाल के पैसा खर्च मत करो आराम से घर में रखो जितना दिन है उतना दिन है देख रहा है उस रात को प्रभु ने उसको छुआ घर में चंगा हो गया प्रभु सिर्फ उसको थामे नहीं रखा बैल के ऊपर बैल खाओ गया बैल के ऊपर बैल पाओगे हमें ना सिर्फ चलेगा दोबारा उसको वही डॉक्टर के पास ले गए बोला कि वो थोड़ा दिन जिंदा रह सकता है लेकिन कभी चल ना पाएगा वो चलता नहीं तो वो दौड़ता दौड़ता यस लॉर्ड दुनिया में एक मनुष्य कभी नहीं बोलेगा क्योंकि उसको इतना बड़ा पोलियो का टैग आ रहा था क्योंकि पोलियो का टैग आने वाले जिंदा है कुछ कुछ लोग जिंदा लेकिन ऐसा चलता वैसे चलता कल के ऊपर मैंने नहीं कहा कि सब लोग चकाई पाएगा अद्भुत रीति से सब मैंने ये सब बात नहीं कहा मैं बोलता कल के ऊपर बल
मैं तो कितने महीने से पीड़ित है, मैं कोई जानकारी नहीं पाया, मुझे दर्द तो बढ़ते जा रहा है, मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं चंगा हुआ हूँ, मैं श्रमित नहीं हूँ, मैं थकूंगा नहीं, हालेलुया, उठूंगा, यीशु काम के पंखों पर है, नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 3:6-8, तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल चल, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह तुरंत उसके पांवों और थकलों के बल आ गया। अरे पत्रस साहब, योहन्ना साहब, तुम्हारा गुरु तो चले गया, नाव गया, जाल भी गया, बीवी बच्चे होगा पता नहीं। वो जमाने में लोग ऐसे त्यागते नहीं थे, उत्कम त्याग पत्र वगैरह उत्कम, क्योंकि यहूदी में वाला भी नहीं था ना, इसके लिए तलाक, इसके लिए रखा होगा, रहता होगा, कुछ नहीं है, सोना चांदी नहीं है, तो पास्टर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग समझते हैं इसका अर्थ क्या है। कुछ लोग बोलते हैं वो सोना नहीं बनते थे, सोना चांदी का अर्थ क्या है, पैसा पैसा, वो जमाने में सोना चांदी बोलेंगे तो मेरे पास सोना चांदी नहीं है, उसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, उधर पैसा बनता था सोने का और चांदी का, उसके लिए बोलते मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि वो देखा, वो कोई बेवकूफ आदमी बोलेगा कि एक भिखारी भीख मांगते तो बोलेगा मेरे पास सोना चांदी नहीं है क्या, कैसे हमारे बड़े बड़े महान पास्टर लोग ऐसे भाषण देते, अच्छा ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर लोग के भाषण सुनने में बहुत मजा आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ സ്ത്രീകളുടെ ആഭരണം താതി പിടിച്ചു, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല, പാസ്റ്റർ കൊടുക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ വെച്ചു, ഈ ബൈബിൾ നോക്കിയാ ना ये सब उतारते पास्टर को नहीं देते, बहुत सारे बहन लोग ऐसे, इसके लिए मुझे वो चीज सिखाने को अच्छा नहीं लगता, मैं तब सिखाऊंगा जब वो लोग कोई खुशी से लेकर आके मुझको देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा वो सारी चीज लेकर आया प्रेरितों के पैर पर, नहीं है मैं इतने बाकी पास्टरों के जैसे इतने बेवकूफ नहीं हूं, इतना मुश्किल से उतारेगा और बैंक के नौकर में जाता क्या फायदा है, इतना मेहनत क्यों करना, पहले पहले चल चोर लोग का फायदा हो जाए। पत्रस के पास पैसा नहीं है, इसको पैसा चाहिए, लेकिन मुझ में एक चीज है भाई, क्योंकि मेरा यीशु जाने से पहले मुझको कहा, तू किधर भी ना जा सामर्थ पाओगे, तू किधर भी ना जा सामर्थ पाओगे, अभी मुझ में सामर्थ है, अबे सामर्थ है, कहां है सामर्थ, मेरे दाहिने हाथ देखो, अबे लकवा है तू, जन्म से होगा कैसा भी होगा, मेरा हाथ का बल रखो, कैसा हाथ का बल, हाथ दिखाओ, हाथ दो, हाथ दो, हाथ में दम है, ये परमेश्वर का हाथ है, मेरे संडे स्कूल के टीचर ने सिखाया था मुझको, वो टीचर का मैं बहुत आदर करता, क्योंकि उसको बोला कि खड़ा हो जाओ तो ऐसे ऐसे मेहनत करता, ऐसे उड़ने को फिर गिरता, फिर देखो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, खड़ा हो जाओ ना, कोई इच्छा खड़ा किया, ये बल से जाओ, ये बल से जाओ, ये बल काफी है, अब कुएं को आप खींचोगे खड़ा हो जाएगा, तो पत्रस की इज्जत तो बोलेगा नहीं 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 छोड़ो छोड़ो, बोलेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं होएगा, छोड़ दिया, छोड़ दिया, बलवंत हाथ में छोड़ दिया, इसलिए पत्रस पत्रिका लिखते तो कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन बने रहो, सही समय पे वो आपको उठा देगा, नहीं है कौन ही बचता है, 9:22 परंतु शाऊल और की सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता, लोग विरोध करते रहा और पौलुस सामर्थ्य होता गया, यह मसीही जीवन की खूबी है, ब्रदर बोल
घबराहट बढ़ रही उनके प्रति। लड़ाई बहुत है भाई, थक जाएगा, थक जाएगा। लड़ाई तुमको मजबूत कर सकते हैं। संडे स्कूल में ये कहानी कितने बार सिखाया, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग संडे स्कूल में गए नहीं, और इधर भी मैंने कई बार ये बात बताया है। ये परमेश्वर का दास, उसको टीवी था, टीवी मतलब ट्रैवलर्स बंगलो नहीं, शहर टीवी था, दिन व दिन में ऐसे ऐसे मरते मरते आया, वचन पढ़ा, तो वचन पढ़ा तो दसवीं हिम्मत आया। इतने में क्या हुआ, अरे बहुत बड़ा पत्थर वो पहाड़ से ऐसे पत्थर लैंडस्लाइड होता है ना, ऐसे आया बिल्कुल उसके घर के द्वार पे आया। एक तो ये ऐसा इडिमेट टाइप के, मतलब ताली चक्का भी ना, आपको समझ में नहीं आएगा, जो बिजली लगा ना उसको, बिजली से कुछ लोग ऐसे होता ना, वो ऐसे देखा तो ऊपर से एक तरह बड़ा फलास का फल आके उसके सर पे गिरा ऐसा हो गया। एक तो ऐसे कमजोर और इतना बड़ा पत्थर, तब क्या करेगा। उसने बाइबल में पढ़ा, तो प्रार्थना कर अगर विश्वास करोगे तो पहाड़ भी हट जाएगा। ये पहाड़ से आया इतना बड़ा पत्थर है, प्रार्थना ऐसा विश्वास से प्रार्थना, मेरे जैसा नहीं, विश्वास से प्रार्थना, प्रार्थना करते 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 वो सुबह उठ के आता, इतना हिम्मत से आता, अभी ये पत्थर हटेगा। लासर के मुंह पे थी, लासर के मुंह पे बड़ा पत्थर था, यीशु ने कहा हटाओ, नहीं हटाया ना, ऐसे ये सुबह आके उसको धक्का मारता, हिलता नहीं। दिन बीत गया, पास्टर भी आके एक दिन धक्का मारने को देख रहे, हिलता रुक रहेगा, बेटा पास्टर आएगा तो होगा, बेटा पास्टर आगे जो हुआ मैं इधर नहीं बताते, वही पत्थर नहीं हिला, इससे हटाता 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 कुछ नहीं होता। ये आईना में जाके देखकर मेरा क्या हाल होगा, वो विश्वास ही नहीं कर सकता, वो आईना में देखता नहीं था, वो बड़ा मस्कुलर इतना मजबूत हुआ भाई। रोज सुबह व्यायाम है, पत्थर हटाने के लिए व्यायाम है, उसको मजबूत इतना मजबूत बना, उसको पता ही नहीं चला, वो बोला मैं हिस्सा बन गया हूँ, अबे मैं कमजोर नहीं है, मैं जाग लूंगा, अबे आई विल जंप ओवर दिस ऑब्स्टेकल, ही जंप्ड ओवर द ऑब्स्टेकल। आपकी समस्या आपको कमजोर करने के लिए नहीं है, आप मजबूत हो जाओगे, आप बैलेंस हो जाओगे, ऊपर से आप जाओगे। इतनी समस्या दूसरा कोई भी प्रेरित को सामना करना नहीं पड़ा, ऐसा पौलुस स्वयं कहता। सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा उसको परेशानी, सबसे ज्यादा ज्यादा लोगों ने विरोध किया, मार खाया कितने बार, नहीं है भाइयों से भी, कुछ कलीसिया के लोगों से भी उसको तकलीफ है कितने तरह से, लेकिन उसमें लिखा है पौलुस क्या सामर्थ्य होता गया। प्रभु अपनी प्रजा को बल देता, जब पौलुस अपने बल को प्रभु को दिया, प्रभु को पौलुस ने अपना बल दिया, उसको बल क्या था, कमजोरी, कमजोरी, कमजोरी में प्रशंसा, कमजोरी में प्रशंसा, हालेलुया, मैं कमजोरी में प्रशंसा करूंगा, प्रभु कहा वही काफी है, वो मेरे पास लेकर आ, अब है मेरा सामर्थ्य उसमें पूर्णता में प्रकट होता। इसके लिए पौलुस कहता है मैं मेरी कमजोरी में, कमजोरी में मैं अहंकार, अहंकार नहीं, घमंड करूंगा, ठीक है घमंड करूंगा, ग्लोरी, वही आप घमंडी है, मेरा अभिमान मेरी कमजोरी में है, क्यों, जब मैं मेरी कमजोरी को कबूल करता और जीवन को प्रभु को हाथ में देता, उसका बल मुझ में पूर्णता में प्रकट होगा। आमीन, आमीन। मेरी कमजोरी में तेरा बल पूर्णता में प्रकट होती है। इसलिए लोग मलयालम में गीत गाते हैं, इधर ही बैठ के गाते हैं, लोग उड़ गया मैं क्या करूं,
பலகீனதையில் நின் பல்லமோ பரிபூர்ணமாய் விளங்கும். ലോകത്തിൽ ബലമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ബലത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൻ ആരും ഇല്ല. പരമേശ്വർ लड़का ने मुझे बोला है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत पढ़ाई किया, मेरा कुछ समझ में नहीं आता. मैं बोला सही, अभी अवसर है प्रभु को, अभी प्रभु का अवसर है, अभी प्रभु का अवसर है. हम आगे बढ़ते हैं, हम इब्रानी में आता है. इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. परमेश्वर वचन के साथ भेजता एक व्यक्ति भी नहीं है बाइबल में जहां परमेश्वर ने इशारा किया बात किया उसका वचन सामर्थ्य देता. गिदोन को बोलता क्या मैंने तुझे नहीं पहचाना क्या? दोबारा भारत को पूछता क्या परमेश्वर ने तुझको नहीं पहचाना क्या? हालेलुया, मेरा वचन तो धार वाली तलवार से भी चौका. हालेलुया, जलप्रलय हो, अग्नि हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, उसको वो क्या करेगा? वही वचन देखकर इसलिए परमेश्वर ने पहले उसको बोला वीर शूर सुरमा वचन दिया. उसका मुंह से जो निकला वचन तेरा हथियार है, वो हथियार लेकर तुम जाओगे. वो इसीलिए उसको कहा ये बल के साथ जा, मेरा मुंह से जो निकला है वो तेरा बल है, वो तेरा तलवार है, वो तेरा हथियार है, ये बल के साथ जाओ, झुकना नहीं पड़ेगा. मांगे बढ़ता 11:32, अब और क्या कहूं क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्य वक्ताओं का वर्णन करो. बोलते कितने लोगों को मैंने बल दिया है, कितने लोगों को मैंने ये बल दिया जो भजन में छोटा एक झलक में दिखाया था, वो बल मैंने कितने लोगों को दिया, उसका सब कहानी बोलने के लिए अब समय नहीं है, ऐसा लगता है. हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बांध दिए. सिंहों का मुंह बांधा? अरे दानियल कहता है कि सिंहों के मुंह को तो मैंने नहीं बांधा, दूत ने बांधा, तो उसकी नम्रता है. फिर अभिषेक से जुआ तो डाला, इसने बांध के रखा स्वर्ग तत्व को. परमेश्वर ने जो बल दिया वो बल काफी है. शिव के गुफा में जाने का है प्रभु, हा ये बल से जाओ, ये बल से जाओ, बांधो उनको, बांधो, बांधो उसको, सबको बांधो, ये बल से जाओ. शिव का मुंह को बांधा और आग की ज्वाला को ठंडा किया. ये किसने हुआ, किसने किया, कब हुआ? ये संदर्भ में साबित लोगों ने किया. यस, हमको ऐसा नहीं सिखाया, हमको सिखाया चलता पुरुष उतर कर आया नहीं है. ये लोगों को खींच के अग्नि में डालने के लिए लेके जाता था, 14 पुरुष था क्या? नहीं, इधर
लोग नहीं जला और बाकी जन जल गए। वही तो मैं पूछ रहे, 14 पुरुष दिखाई दिया? नहीं, 14 पुरुष नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया ना। जो खींच के लेकर आते वो जल गया, ये लोग क्यों नहीं जला? ये बल काफी है, ये अभिषेक काफी है। अरे 14 पुरुष शाबाशी देने के लिए आया, सल्यूट मारते हुए आया। हम लोग मेरे सर है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं लिखता, वचन में झूठ नहीं लिखता। यानी कि उन्होंने उन्होंने क्या किया? अग्निज्वाला को ठंडा किया, उन्होंने ठंडा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने ठंडा किया, परमेश्वर का बल और अभिषेक से किया। अभी 14 पुरुष नहीं करते, अदृश्य होता तो बात अलग, अदृश्य नहीं है ना वो, नहीं है। अग्नि में पिकनिक बना रहे होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ये 14 पुरुष उकाब के पंखों पे उठाने वाले, अग्नि से यो नहीं उठा सकता था। दुश्मन को दिखाओ, अग्नि को ऊपर हमारा सिंहासन है, दिखाओ, दिखाओ, अब अग्नि को ऊपर से चलने वाला है, दिखाओ। ये बल से जाओ, ये बल से जाओ, इसलिए प्रभु ने रुकाया नहीं, उनको फेंक दिया जाने से रुकाया नहीं। दो चीज दिखा नहीं करता, जो खींच के लेकर आएगा वो खत्म हो जाएगा। अमें। और ये अग्नि के ऊपर जय भागकर चलते हैं। चौथा पुरुष के वचन के कारण है, अभिषेक के कारण है। हालेलुया। इसलिए दानियल को सिंह के माध में फेंक दिए जाने से रुकाया नहीं। अमें। राजा को ये पता चले शायद इसलिए प्रभु ने आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी से गुजरने को अनुमति दिया। शायद उसके कारण परमेश्वर ने आपको ऐसी समस्याओं के सामना करने का अनुमति दिया। 10 बच्चा है तो एक बच्चे को प्रभु की सेवकाई के लिए देगा ही, कंडाल के देगा। लेकिन हना ऐसा नहीं, बहुत कुछ है तो मैं कुछ दे दूंगा, विधवा ऐसा नहीं, मैं मेरा बल दूंगा, वो उसका बल से मुझको दान करेगा। ये बल काफी है, ये बल से जा, उसमें लज्जित होएगा। यीशु के नाम में आमेन। आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति आराधना।